श्याम थाईलैंड एकमात्र बौद्ध राष्ट्र। थाईलैंड में धर्म आस्था अन्य देशों की तरह डगमगाई नहीं, वहाँ के नागरिकों को अभी भी प्राचीन काल के धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण लोगों की तरह जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है। इसका श्रेय वहाँ के समर्थ साधु समाज को ही दिया जा सकता है। मंदिर वहाँ पूजा स्थल तो हैं, पर उनका उपयोग मात्र उतने ही सीमित प्रयोजन के लिए नहीं होता। प्रत्येक विहार में वहाँ एक साधन संपन्न विद्यालय भी होता है, जिसमें न केवल छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा दी जाती है, वरन उच्च स्तरीय धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था रहती है। प्रत्येक विहार में एक अच्छा पुस्तकालय होता है, जिसमें धार्मिक जीवन जी सकने की प्रेरणा दे सकने वाली चुनी हुई पुस्तकें पर्याप्त संख्या में रखी जाती हैं। स्कूलों में शिक्षा का कार्य बुद्ध प्रार्थना के साथ आरंभ होता है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव शिक्षा संस्थाएं मनाती हैं, जिनमें छात्रों द्वारा अध्यापकों को श्रद्धासिक्त पुष्पांजलि भेंट की जाती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा तक का माध्यम वहाँ थाई भाषा ही है। विदेशी भाषाओं को यहाँ शिक्षा माध्यम स्थान नहीं दिया गया है। बीए उपाधि को वहाँ पंडित और एमए उपाधि को महापंडित शब्द के साथ संबंधित करते हैं। जनता अपनी धर्म आस्था की अभिव्यक्ति एक बार अनिवार्य रूप से भिक्षु दीक्षा लेकर व्यक्त करती है। बुद्ध संघ उस श्रद्धा का सदुपयोग करता है, व्यवस्थित नियंत्रित एवं परिष्कृत करता है, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाकर तैयार रखता है जिसके अनुसार उस धर्म प्रेरणा को उपयोगी कार्यों में संलग्न किया जा सके। अनेकों सृजनात्मक योजनाएं तैयार रहती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विहार में प्रविष्ट भिक्षुओं को लगा दिया जाता है। उनके श्रम ज्ञान एवं मनोयोग का समन्वित उपयोग मिलने से अनेकों उपयोगी योजनाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सहज ही चलती रहती हैं। सुयोग्य व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक के यदि रचनात्मक कार्यों में लगेंगे तो उस देश में बहुमुखी प्रगति की बाढ़ आएगी ही। इस दिशा में थाईलैंड की बुद्ध संस्था बहुत सजग है। वह किसी भी भिक्षु को उच्छृंखल अनियंत्रित नहीं होने देती। हर किसी को पूर्ण अनुशासन में रहना पड़ता है। यदि भारत की तरह वहाँ के भिक्षु स्वेच्छाचारी बन जाएं और अनियंत्रित सांड की तरह विचरें, तो इस छोटे से देश की इतनी बड़ी भिक्षु संख्या देखते देखते टिहड़ी दल की तरह सारी समृद्धि को चट करके रख दे, पर वहाँ की दूरदर्शी धर्म संस्थाएं वैसा होने नहीं देती। अनुशासन और धर्म परायणता को वहाँ परस्पर पूर्णतया समन्वित बनाने का सफल प्रयोग किया गया है। इस दिशा में राज्य की सहयोग भी पूरा है। राज्य कोष से मठों को मुक्त हस्त से सहायता दी जाती है, साथ ही उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखा जाता है। धर्म संघ में शासन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहते हैं। वे धर्म प्रसंग में तो हस्तक्षेप नहीं करते, पर यह अवश्य ध्यान रखते हैं कि जनता के लिए दिए हुए तथा शासन से मिले धन का उपयोगी प्रयोजनों में ही खर्च किया जाता है या नहीं, कहीं अपव्यय तो नहीं होता। थाईलैंड कृषि प्रधान देश है। वहाँ 84% लोग खेती करते हैं, पर वे अत्यंत कर्मठ, पुरुषार्थी, शांतिप्रिय और धर्म परायण लोग हैं। परस्पर मिलजुल कर रहना और हंसी खुशी की जिंदगी जीना उन्होंने धर्म संस्था से सीखा है। भिक्षु सेना ने उन्हें अनेक सद्गुण सिखाए हैं और परिष्कृत स्तर का जीवन किस तरह जिया जा सकता है यह बताया है। इस प्रशिक्षण से न केवल उनकी विचार पद्धति ऊंची उठती है, वरन भौतिक समृद्धि भी बड़ी है। यह आश्चर्यजनक प्रसंग है कि एशिया के किसी भी देश की अपेक्षा थाईलैंड निवासियों की औसत आमदनी कहीं अधिक है। वे सुसंपन्न हैं। उस देश की विदेशी मुद्रा बहुत मजबूत है। स्वर्ण कोष की दृष्टि से थाईलैंड की साख और थाक संसार के आर्थिक क्षेत्र में मानी जाती है। धर्म समन्वय, रक्त समन्वय उस देश की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त सीमित समय के लिए साधु दीक्षा लेने वाली पद्धति और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इन सब बातों ने उस छोटे से देश को अपने ढंग की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति करने का अवसर दिया है। श्याम थाईलैंड में भारतीयों की महत्वपूर्ण हलचलों का विवरण दक्षिण के तिरुवलम में उपलब्ध एक लेख से चलता है। उन दिनों वैष्णव धर्मावलंबी मणिग्रामम संघ के सदस्य श्याम जाकर रहने लगे थे। 13वीं सदी तक श्याम कंबोडिया का ही एक अंग था। उसकी स्वतंत्रता राजा इंद्रादित्य के द्वारा संभव हुई।
वे 1218 में सिंहासनारूढ़ हुए। इसके बाद राम राजा, सूर्यवंश राम, रामाधिपति राज, वरधीर राजा, महामहिंत आदि उत्तराधिकारी होते रहे। इस बीच उस देश पर वर्मा के राजा आक्रमण करने लगे थे। सन 1510 में इंद्र राजा का शासन था। वर्मा, फ्रेंच, अंग्रेज इस क्षेत्र में तरह तरह के षड्यंत्रों के साथ आधिपत्य जमाते रहे, तो भी राजतंत्र किसी प्रकार चलता रहा। 1868 से 1911 तक चूड़ालंकार राजा का शासन था। सन 1911 से 1926 तक वाजीरा बुद्ध नामक राजा रहा। इसे भी राम की उपाधि प्राप्त थी। यह श्याम की शासन परंपरा में छठा राम था। यहां बौद्ध धर्म सन 422 में ही पहुंच गया था, पर 13वीं सदी तक प्रमुखता ब्राह्मण धर्म की ही रही। श्याम बहुत समय तक कंबोडिया के शासन के अंतर्गत ही था, इसलिए संभावतः उस क्षेत्र की प्रजा पर शैव शासन का प्रभाव बना रहा। राजा धर्माशोक ने श्याम में एक भव्य विष्णु मंदिर बनवाया था। इसी प्रकार अन्यान्य राजा अपने कृति स्मृति के लिए कई कई मंदिर बनाते रहे, जिनके भगवान शेष अब तक उस क्षेत्र में जहां तहां बिखरे पड़े हैं। जो बने हुए हैं उनमें देव पूजा अभी भी प्रचलित है। फ्रोके के शिव मंदिर में अभी भी श्रद्धा पूर्वक पूजा होती है। ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व अभी भी यहां है। ब्राह्मण को ब्रह्म, ब्रह्म को फ्रम कहने की अपभ्रंश परंपरा चली। फ्रम जाति के लोग ही यहां कर्मकांड कराते हैं और पवित्र माने जाते हैं। देवनगर तो इन्हीं की बस्ती है। इन लोगों के आचार व्यवहार में ब्राह्मण परंपराओं का दर्शन अभी भी किया जा सकता है। थाईलैंड के वर्तमान राजगुरु भारतीय मूल के ब्राह्मण हैं। शिखा यज्ञोपवीत धोती धारण करने वाले वासुदेव मुनि के पूर्वज अब से 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में उस देश में पहुंचे थे। तत्कालीन शासकों के वे राजगुरु थे। पीछे वही पद उनके वंशजों को मिलता चला गया। यों उस देश के वर्तमान शासक भी अपने पूर्वजों की तरह ही बौद्ध धर्म मानते हैं, फिर भी उनने ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाई और कट्टर ब्राह्मण धर्मों पुरोहितों को राजगुरु मानने में कोई आपत्ति नहीं की। राजकोष में इन राजगुरु को आजीविका मिलती है। उन्हीं के परिवार के 10 अन्य ब्राह्मण भी हैं, जो मंत्र विद्या एवं कर्मकांड विधान के जानकार हैं। उन्हें भी राजकोष से वृत्ति मिलती है। इन लोगों को विशेष आचरणों का पालन करना पड़ता है। वे मांस नहीं खाते। राजकीय धर्म कृत्यों की व्यवस्था यही मंडली कराती है। यह सभी ब्राह्मण शिखा यज्ञोपवीत से युक्त धोती परिधान धारण करने वाले होते हैं। राजगुरु का अपना मंदिर है, जिसे देवस्थान कहा जाता है। विष्णु, गणेश, शिव, इंद्र, सूर्य, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की मूर्तियां इसमें स्थापित हैं। साथ ही भगवान बुद्ध देव भी वहीं उच्च आसन पर विराजमान हैं। थाईलैंड में रामायण कथा बहुत लोकप्रिय है। वहां के निवासियों का विश्वास है कि वह घटनाक्रम उन्हीं के देश में संपन्न हुआ। रामायण की नृत्य नाटिकाएं बहुधा आयोजित होती रहती हैं और उनमें जनता बहुत रुचिपूर्वक भाग लेती है। थाई भाषा की एक पुस्तक है बाली की भाई को शिक्षा। यह कर्तव्य पालन और नीति निष्ठा की आदर्श पुस्तक है। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को जो धर्म नीति सिखाई उसी का इसमें वर्णन है। इसे प्रायः स्कूलों में पढ़ाया जाता है। श्याम का प्राचीन साहित्य रामायण, महाभारत आदि भारतीय धर्म ग्रंथों की अनुकृति है। बौद्ध धर्म के प्रवेश के बाद वहां बौद्ध साहित्य स्यामी भाषा में प्रचुर परिमाण में छपा है। स्यामी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। प्राचीन काल के शिलालेख संस्कृत भाषा में पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि वहां किसी समय संस्कृत की ही प्रधानता रही है। यों वहां सर्वत्र देव मंदिरों के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं, पर इनमें लोफबुरी विशेष रूप से दर्शनीय है। जीवित प्राचीन धर्म स्थानों में ऐसे भी कितने ही हैं
जो पहले हिंदू मंदिर थे, पीछे उन्हें बौद्ध मंदिरों में बदल दिया गया। स्याम थाईलैंड पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ में से कुछ के नाम यह हैं। पहला, अ हिस्ट्री ऑफ स्याम फ्रॉम द अर्लिस्ट टाइम। दूसरा, ए सेलिमेकृत स्कल्पचर इन स्याम। तीसरा, सरजान मार्शल कृत बुद्धिस्ट आर्ट इन स्याम। चौथा, मजूमदार कृत इंडियन कोलोनाइजेशन इन स्याम। पांचवा, नीलकंठ शास्त्री कृत साउथ इंडियन फ्लुएंसेंस इन फॉर ईस्ट। सामान्य आबादी वाला यह देश वर्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली है। वह कृषि प्रधान देश है। 84% लोग खेती करते हैं। वहां की औसत आय एशिया के किसी भी देश से ज्यादा है। विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण भंडार से थाईलैंड की आर्थिक साख बहुत ही मजबूत मानी जाती है।